गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवरावत चैन ऑफ लाइफ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। आजकल व्यू बहुत कम आ रहे हैं, हो सकता है कुछ अलग अलग ट्रेंड चल रहे हैं। हम ट्रेंडिंग वीडियो तो बनाते नहीं है, तो रीज़न पता नहीं चल रहा, बट अपनी कोशिश जारी रहेगी चाहे कुछ हो जाए। और आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है क्योंकि पॉल्यूशन जो था वो छट गया है। तो आप देख सकते हो सामने बाहर इतना पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है बारिश हुई है, बट बारिश नहीं है, ओस ओस पड़ी होगी शायद। तो आज सैटरडे है, हम 6:55 हो रहे तो हम 7 बजे तक जाएंगे। आज थोड़ा 6:30 पे उठे, एक दिन लेट के। आज बीर की छुट्टी थी सेकंड सैटरडे की। भाई जल्दी क्यों उठ गया तू आज, हैं? जब उठाते तब उठता नहीं। अरे मेरी नींद अचानक से होगी, फिर मैं सोचा ये मैच कौन जीता होगा। ओ, दिमाग में वही घुस रहा था है। देखो ये भी अपने काम पे लग गया सुबह सुबह, हैं? ले ले, चल चलो खींचो 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 खींचो। किसका? मोरक्को वर्सेस पोर्चुगल, जिसे स्पेन को हराया। और इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस। अरे बाप रे, ले वो 12:30 ले, वो मैं देखूंगा। इतनी ठंड अगर हमें मुंबई में लग रही है तो दिल्ली में कितनी ठंड होगी सोचो। और हम अगर इस ठंड में चले गए तो मम्मी तो आज गाँव गई है, तो और कितना ठंडा होगा वहाँ कुछ। हाँ सो अभी हम जा रहे हैं एक्सरसाइज करके, धूप सेक रही है। ये मौका हमें सिर्फ सैटरडे और संडे ही मिल पाता है, बाकी दिन तो मिल नहीं पाता। बाकी दिन तो मैं सड़क में बस के इंतज़ार में धूप सेकता हूँ। हैं आंटी नी, और आजकल स्विमिंग पूल में कोई नहा नहीं रहा, ठंडा हो गया ना। है शाम को गर्मी में नहा रहे होंगे, बट वैसे तो ठंडा हो गया, अभी कोई नहीं नहा रहा। अरे इसका पानी कितना ग्रीन हो गया है, उधर ब्लू और इधर ग्रीन, लगता है साफ नहीं किया बहुत दिन से। टेंपल के दर्शन करके आ गए गणपति बाप्पा के। ये हमारा सैटरडे संडे का रूट रूटीन है। ओ तो चलिए हम हो गए हैं रेडी, क्योंकि अब मीटिंग्स है मेरी, कॉल्स वगैरह हैं, 4-5 बजे तक चलेंगे, उसके बाद देखते हैं। आज मैंने अपनी अर्जेंटीना की टी शर्ट पहन ली है, ये देखिए, क्योंकि कल अर्जेंटीना सेमीफाइनल में आ गई है। ये देखिए, ये दिस इज़ व्हाट इट इज़, अर्जेंटीना तो सेमीफाइनल में आ गई है। और आज किसका है वीर, आज पोर्चुगल और मोरक्को। हाँ आज भी क्वार्टर फाइनल है, इंग्लैंड और फ्रांस। हाँ उसके बाद तो मतलब मैचेस जबरदस्त है, तो देखते हैं कौन पहुँचता है फाइनल में। कल क्रोएशिया देख लेगा, कल क्रोएशिया ने जबरदस्त कमाल किया। हमारा रात के लिए खाना बनना शुरू हो गया है, पहले से गिरा हुआ है यार। सफाई से इतना सारा प्याज क्यों डल रहा है, क्योंकि आज हम खा रहे हैं प्रोटीन, शाम को बनेगा प्रोटीन। शाम को क्या अभी बन रहा है, अभी छोटा ब्रेक हुआ मेरा मीटिंग को लेके, अभी ग्रेवी नहीं है ना, विदाउट ग्रेवी बना रही है, कम ग्रेवी। तो हम बना रहे हैं आज चिकन, आज रैम्बो के लिए भी मंगाया है किचन कैर, रैम्बो के लिए भी मंगा रैम्बो के लिए भी मंगाया है किचन फिर रैम्बो के लिए भी मंगाया है चिकन, किचन और चिकन दोनों साथ साथ हो जा रहे हैं। आज हमको आया है स्विगी से प्रोटीनेक्स, इज दिस योर स्टोरी, इसके दूध में डाल के भी आदि। ये मतलब इसमें क्या है भाई सीन, इसमें प्रोटीनेक्स में? अरे ये लिया तो था आपने। नहीं नहीं ये मेरे को भी उधर से आया स्विगी से। क्या मंगवाया आपने? अरे राशन में फ्री में आया है सैंपल, इसमें फैट वैट तो नहीं है, देख ले जरा। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया बन गया भाई, बट अभी हम खा नहीं सकते हैं, थोड़ी सी हम खाएंगे बाद। चावल की बनाऊं? चावल बना दे थोड़ा सा, हाँ रैम्बो के लिए बनेगा, तो रैम्बो को तो बॉईल देगी ना। हाँ तो चावल देंगे ना उसके साथ। अच्छा संडे को ही हमारी XUV300 निकलती है बाहर, सैटरडे और संडे। चलिए करते हैं
हुआ जय माता की। Please select the parking. आज तक मैंने ये मोड इसका यूज ही नहीं किया कि प्लीज सिलेक्ट द पार्किंग मोड। चलिए मिलते हैं रास्ते में। YouTube में आपको ये नहीं पता चलता कि कौन सा वीडियो आपका वायरल हो जाएगा। मेरा संडे मोटिवेशन में एक मैंने लास्ट संडे को एक वीडियो निकाला था तो उसके व्यूज बहुत जबरदस्त आ गए, इतना फास्ट चढ़ा था क्योंकि वो मैंने वीडियो शूट किया था गाड़ी में। सैटरडे को मैं ऑफिस जा रहा था और उसी दौरान मैंने उसको शूट किया था और मस्त व्यू आए। टीना की चप्पल हम पिछले एक हफ्ते से ढूंढ रहे हैं, हमको मिली नहीं रही है। आज दूसरे मार्केट भी आए तो वहाँ पे भी नहीं मिली। टीना की चप्पल नहीं, बवाल हो गया, बवाल कहीं मिली नहीं रही है। आज हम नया रास्ता डिस्कवर कर रहे हैं बिना मैप के, वो भी क्या बोलती टीनी, सही जगह पहुंच जाएंगे। गाड़ी तो हमने कर दी है पार्क, अब यहाँ पे हम सिर्फ वॉकिंग करेंगे और शॉपिंग करेंगे। पूरा अंधेरा हो जाता है अभी, देखो 6:23 हो रहे हैं और पूरा हो गया अंधेरा। हो गई भाई हमारी वॉकिंग बढ़िया से, अब क्या करेगी तू? चीज की टेंशन नहीं होती है। अभी मैं बैठा हूँ आदि के इंतजार में क्योंकि आदि आ रहा है और आज वो हमको बोल रहा है कि क्या करने के लिए, स्टीम लेने के लिए। मैं देखता हूँ अगर मेरे को ठीक लगेगा तो मैं स्टीम को लेने जाऊँगा, नहीं तो मैं सीधे ऊपर जाऊँगा चाय पीने के लिए। देखिए आ रहा है, तू बैठना आराम से यहाँ पे, थोड़ा एंजॉय करो। तो स्टीम बात लेके आ गया मैं, अब देखो पूरा बाल मेरा एकदम ऐसे टप 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 पानी टपक रहा था, मतलब पानी का पसीना और पूरी बॉडी का एकदम मस्त हो गया। वैसे तू भी ट्राई कर। हमारी क्या बोले इसमें सोसाइटी कॉम्प्लेक्स में है, हम लोग कभी यूज नहीं करते। आदि जा रहा था तो उसने बोला पापा यूज कर, मैंने पहले प्लान बनाया था जाने का लेकिन कभी गए नहीं प्लान के। स्टीम बात लिखे है अभी, बढ़िया हो गया। सोना बात स्टीम बात दो, बट ये बेली हेल्थ के लिए तो नहीं है, बट रिलैक्सेशन वर्कआउट के बाद वो सब के लिए, स्किन के लिए बेटर है, बॉडी सर्कुलेशन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, वो सब के लिए। रैम्बो 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 रैम्बो। चलो पानी पी लेते हैं फटाफट क्योंकि इसके बाद पानी पीना जरूरी है। अरे वही सेम आ गए क्या? नहीं उससे बड़े, अरे ज्यादा बड़े नहीं है, कैमरे में तो ज्यादा बड़े दिख रहे थे, उससे चौड़े लगे, इतने ज्यादा चौड़े नहीं ज्यादा, उसमें तो बहुत बड़े दिख रहे थे, चौड़े दिख रहे थे कि इतना बड़ा होगा। ये भी फ्रिज के लिए? हाँ ये भी कंटेनर। भाई साहब हार गई हमारी पुर्तगाल की टीम, रोनाल्डो की टीम। और ये भाई अभी तक जो रोनाल्डो की टी शर्ट पहने हुए थे अब इन्होंने वो टी शर्ट उतार ली है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पुर्तगाल हार गई, बट अभी भी अर्जेंटीना मैदान में है, डोंट वरी। भाई आदि दरवाजा खोल, भाई आदि दरवाजा खोल। और ये भाई हैं, दुख के मारे दरवाजा ही बंद कर दिया आदि भाई। चलो भाई साहब आज बहुत मजा आ गया, सोना बात भी हो गया, फुटबॉल भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। बच्चे थोड़े दुखी हो गए क्योंकि उनका जो फुटबॉल स्टार है रोनाल्डो, उसका लास्ट वर्ल्ड कप था। हालांकि मेसी का भी लास्ट वर्ल्ड कप है लेकिन आज बाहर होगी रोनाल्डो की टीम। और सबसे बड़ी दुख की बात यह थी कि पिछले मैच में भी उसको बाहर बैठाया था, इस मैच में बाहर बैठाया लेकिन सेकेंड हाफ में उसको बुलाया लेकिन कुछ नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं, खेल चलता रहता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए इस व्लॉग को करते हैं, अभी देखते हैं अर्जेंटीना का क्या होने वाला है। देखो हमारी अर्जेंटीना वो क्या करती है, बट उसका सेमीफाइनल क्रोएशिया के साथ में है तो लेट्स सी क्या होता है। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं खत्म, बने रहिए मेरे साथ शिव रावत चैन ऑफ लाइफ के साथ।